हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज की हमारी एक्टिविटी है मंत्र, जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी। तो बच्चों, इस कहानी में एक शहर और गांव के दो व्यक्तियों के बारे में बताया गया है कि एक व्यक्ति धन के घमंड में कितना चूर हो जाता है, जो दूसरों के जीवन को भी अपने मनोरंजन के सामने तुच्छ समझता है। तो बच्चों, होता क्या है कि एक दिन की बात है कि शाम का समय था, तो एक बूढ़ा व्यक्ति जिसका नाम भगत था, जो गांव से अपने छोटे बच्चे को लेकर गया था, जिसकी आयु लगभग 6-7 साल थी। तो बच्चों, उस बच्चे को जब डॉक्टर साहब के पास लेकर गया, तो डॉक्टर साहब जो थे चड्ढा, वो शहर के बड़े माने हुए डॉक्टर थे, और उनका खेलने का जो समय था वो शाम का समय था। अब वे खेलने के लिए जाने वाले थे, तो बस के इंतजार में खड़े हुए थे गाड़ी की। तो जैसे ही भगत अपने बच्चों को लेकर के उन डॉक्टर साहब के पास गए, तो डॉक्टर साहब ने देखने से मना कर दिया और कह दिया कि ये मेरा खेलने का समय है, कल सवेरे आना, इस समय हम मरीजों को नहीं देखते। अब बच्चों, वह बेचारा उस अपने बच्चे को लेकर के वापस आ गया गाँव में, और रात्रि में ही उसका वह 7 साल का बच्चा मर गया। अब उसकी ज़िंदगी में केवल वही एकमात्र सहारा था, जिसके सहारे वो रहता था, और कोई नहीं था घर में, केवल बूढ़ा बुढ़िया और एक उनका बच्चा, तीन ही आदमियों का परिवार था। तो बच्चों, कुछ समय बीता, डॉक्टर चड्ढा ने शहर में बहुत नाम कमाया, खूब पैसा कमाया और खूब शोहरत कमाई, जिस कारण से उसने एक अच्छा बंगला बनाया, कोठी बनाई, और कुल मिलाकर के क्षेत्र में उसका नाम बहुत ज़ोर से फैल गया। अब बच्चों, अपने स्वास्थ्य के प्रति डॉक्टर चड्ढा बड़े जागरूक थे, और वे अपनी दिनचर्या उन्होंने इस प्रकार से नियमित कर रखी थी कि वे उठने का, खेलने का, खाने का, मरीज देखने का, उनका जो समय था वो पूर्व निर्धारित था, और एक समय में वो उसी काम को करते थे जो उनका काम करने का समय होता था। अब बच्चों, कई साल बीत गए, तो डॉक्टर साहब का जो लड़का था, एक डॉक्टर चड्ढा का, उनका नाम कैलाश था, और वह शहर के स्कूल में पढ़ता था। अब बच्चों, कैलाश जो था बड़ा होनहार लड़का था, बड़ा सुंदर था और मिलनसार लड़का था, तो उसके साथी भी स्कूल में बहुत बन गए थे, और वह स्कूल की जो एक्टिविटीज होती हैं उनमें वो बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया करता था। कुल मिलाकर के उसकी जो शोहरत थी स्कूल में, कैलाश की एक बहुत ही अच्छे विद्यार्थी की थी। अब बच्चों, कुछ समय के बाद उस लड़के का जन्मदिन आया, और उसने अपने सभी साथियों को घर पर आने के लिए आमंत्रित किया। योजनानुसार उनके बैठने की, खाने की, ठहरने की सब अच्छी व्यवस्था की गई, और देर रात तक मेहमान आते रहे। तो उस अतिथियों में जो उसके स्कूल के मित्र मंडली थी, वह भी पहुंच गई, और उनमें एक लड़की थी मृणालिनी नाम की, जो उसके साथ पढ़ती थी कैलाश के। अब बच्चों, कैलाश को सांप पालने का शौक था, लेकिन सांप पालने के साथ साथ वह उनके रख रखाव, उनके कर्तव्य भी दिखाया करता था, और उसकी बातों को स्कूल में आकर के वो अपने साथियों के साथ जिक्र भी करता था। अब बच्चों, उस दिन उन साथियों को सांप को देखने का मौका मिल गया, और उन साथियों ने कैलाश से कहा कि भाई, आप हमें वो सांप दिखाइए जो आपने पाले हुए हैं। तो पहले तो कैलाश ने उनको मना कर दिया और कह दिया कि ये रात्रि का समय है, इस समय सांपों जगाना अच्छी बात नहीं है। तो कुल मिलाकर के जब वे साथी जिद करने लगे, और उसकी जो सहपाठी थी मृणालिनी, वो भी जिद करने लगी, तो उसने आवेश में आकर के उन सांपों को दिखाना शुरू किया, और वो उन कमरे के पास ले गया जहाँ पर उसने सांप रखे हुए थे, और एक एक पिटारा खोल करके अपने साथियों को सांप दिखाता गया। उन सांपों को कभी हाथ में डालता, कभी गले में डालता, कभी कैराम जो है गले में, कभी बाह में, कभी कंधे पर, इस प्रकार से वो उनके कर्तव्य को दिखाने लगा।
अब बच्चों ये देख करके जो उसकी सहपाठी थी मृणालिनी, वो डर रही थी कि कहीं सांप उसको काट ना ले। अब ऐसी स्थिति में हुआ क्या कि जब सबसे बाद में एक उसने सांप उठाया और बोला कि इससे जहरीला सांप मेरे पास नहीं है, इसका अगर ये काट ले तो इसके कांटे से आदमी तुरंत मर जाता है, इसका कोई इलाज नहीं है। तो एक मासे ने मजाक के मूड में कहा कि भाई इसने सांप के दांत तोड़ रखे होंगे इसके। तो उसने सांप के दांत दिखाने के लिए जैसे ही उस सांप की गर्दन दबाई तो सांप ने मुंह तो खोल दिया, लेकिन सांप को ऐसा अनुभव हुआ कि मानो आज कैलाश उस सांप को मारना चाहता है। और जैसे ही गर्दन ढीली हुई तो सांप ने तुरंत कैलाश की उंगली में काट लिया, और काटते ही कैलाश जो था वो नीचे बैठ गया और धीरे धीरे वो बेहोशी की स्थिति में आता चला गया। या तो वहाँ पर बहुत अच्छा माहौल था, खुशी का माहौल बना हुआ था, अतिथि आ रहे थे, खाने की बैठने की सब तरह की व्यवस्था अच्छी हो रही थी, लेकिन सांप के काटने की जब खबर वहाँ फैली तो चारों तरफ मातम छा गया और डॉक्टर जी साहब जो थे वो भी वहाँ पर दौड़े हुए आए, और जो उनकी माता थी कैलाश की वो भी गश खा करके पछाड़ खा करके नीचे गिर पड़ी। कुल मिलाकर के ये सारे में खबर फैल गई कि कैलाश को सांप ने काट लिया और अब वो मर गया। अब बच्चों धीरे धीरे ये खबर गांव तक पहुंची तो जो बालक को लेकर के वो बूढ़ा व्यक्ति कुछ समय पहले डॉक्टर साहब के पास आया था, उसका नाम जो भगत था, तो भगत मंत्र विद्या जानता था, सांप के काटने का वो बहुत अच्छा इलाज करता था, और उससे पहले उसने कई सैकड़ों लोगों को जीवनदान दे दिया था। अब ये पहला मौका था जब उसने किसी के सांप के काटने की खबर सुनी हो और वो उठ करके घर से बाहर न गया हो। अब आज वो अपने घर पर बैठा हुआ है और अपनी बुढ़िया के साथ बैठा हुआ हुक्का पी रहा है। तो बच्चों देर रात हो गई, किसी ने जा करके धीरे से भगत से कहा कि भाई डॉक्टर साहब के लड़के को सांप ने काट लिया, आप क्यों नहीं गए। तो उसने कह दिया कि भाई मैं क्यों जाऊं, जब उसने मेरे बच्चे को भी देखा, मेरा बच्चा तो मर गया, अब मेरे कोई संपत्ति नहीं है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है जो बटेगी या कोई बांटेगा उसको, क्या गया, अगर वो देख लेता तो किसका क्या चला जाता, क्या वो भगवान थे, अगर वो देख लेते तो कम से कम मेरे मन की संतुष्टि हो जाती, लेकिन उसने नहीं देखा, अब उसको पता चलेगा कि बेटे का गम कैसा होता है। अब बच्चों ऐसी स्थिति में उस भगत के अंदर एक अंतर्कलह की जो भावना थी वो जंग जो थी वो उसके मन में शुरू हो गई, क्योंकि उसका एक मन कह रहा था कि तू चल और जा करके उस बच्चे को दे जिसको सांप ने काटा, और दूसरा मन कह रहा था कि नहीं, उसने मेरे लिए कोई इच्छा नहीं किया, मैं उसके बच्चों को जा करके क्यों देखूं। तो बच्चों कुल मिला करके इस प्रकार से जब देर रात हो गई तो बच्चा धीरे से जो भगत था वो अपनी झोपड़ी से बाहर निकला। तो जैसे ही वो निकला तो बुढ़िया की जो आँख खुल गई और बुढ़िया ने उसको टोक दिया, तो बैठ गया कि नहीं मैं कहीं नहीं जाता, मैं तो ये देख रहा था कि कितना समय है, और ये कह करके वो फिर अपना हुक्का जो था गुड़गुड़ाने लगा। तो कुछ समय बाद बुढ़िया को बच्चों नींद आ गई, और नींद आने के बाद अब भगत जो था अपनी झोपड़ी से बाहर निकला और धीरे धीरे अपनी लाठी टेकता हुआ डॉक्टर चड्ढा के मकान पर जा पहुँचा, और जा करके उसने डॉक्टर चड्ढा से पूछा कि भैया कहाँ है जिसको सांप ने काट लिया। अब डॉक्टर को ऐसा लगा कि शायद कोई मरीज देखने के लिए आया है, लेकिन उसने कह दिया कि भाई हम आप मरीज नहीं देखने के, अब एक महीना हम छुट्टी रखेंगे। तो नहीं, भगत बोले कि नहीं मैं केवल उस व्यक्ति को देखने के लिए आया हूँ भैया को, जिसको सांप ने काटा है। अब भगत को जो है वो डॉक्टर साहब अपने बच्चे के पास ले गए जहाँ पर सांप ने काटा हुआ वो बेहोशी की स्थिति पड़ा हुआ था। तो उसने वहाँ जा करके डॉक्टर साहब से कहा कि कुछ कहारों को बुलाइए और नहलाने के लिए पानी की व्यवस्था कीजिए। तो बच्चों धीरे धीरे कहार आ गए और पानी की व्यवस्था जो थी वो शुरू हो गई। तो मंत्र जो था वो भगत जो था मंत्र जानता था सांप के काटने के, वो धीरे धीरे मंत्र पढ़ता रहा और बीच बीच में जड़ी बूटी सुखाता रहा और उसको पानी से नहलाता रहा, जिसमें कुछ मेहमान भी उसके साथ में लग गए। अब बच्चों धीरे धीरे देर रात्रि तक जब ये काम चलता रहा तो भगत की मंत्र विद्या का जो असर था वो उस बालक पर हुआ और उसने आंखें खोल दी। तो जैसे ही उसने आंखें खोली भगत जो था वहाँ से चुपके से बाहर निकल गया और धीरे धीरे अपने वहाँ से निकल करके वो अपनी कुटिया पर पहुँच गया जहाँ वो गाँव में रहता था, क्योंकि उसको डर था कि कहीं बुढ़िया उठ ना जाए और वो
उसको फिर ये कहे कि आप वहाँ क्यों गए थे। तो इसलिए उससे कलेशे बचने के लिए बूढ़ा भगत तो अपने गांव में आ गया, लेकिन जब वहाँ ये खबर फैली कि डॉक्टर साहब का लड़का फिर ठीक हो गया, किसने ठीक किया, कौन था, कहाँ था, कैसे था, किसने इसका उपचार किया, जब इसकी खोजबीन की गई तो बच्चों उस व्यक्ति को जो डॉक्टर साहब जो थे उसको ध्यान आया कि ये आदमी किसी बच्चे को लेकर के कुछ समय पहले उनके पास आया था और ये वही आदमी है और मैं इसे ढूंढूंगा और इसके कदमों में झुक कर के इनसे क्षमा मांगूंगा। क्योंकि जब डॉक्टर साहब का लड़का बेहोश होकर के गिर पड़ा तो डॉक्टर साहब ने ये यहाँ तक ही कह दिया कि जो भी चाहे वो भी सारी प्रॉपर्टी ले ले, लेकिन मेरे बच्चे को ठीक कर दे। लेकिन उस भगत ने निस्वार्थ भाव से उस बच्चे को ठीक कर दिया। तो डॉक्टर साहब के मन में ये भावना पैदा हुई कि हम अपने मनोरंजन के सामने दूसरे के जीवन को कितना तुच्छ समझते हैं, और आज से हम ये संकल्प लेते हैं कि आगे से कभी भी किसी मरीज को हम इस प्रकार से वापस नहीं जाने देंगे, चाहे हमारे खाने का समय हो, मनोरंजन का समय हो या कोई भी समय हो, हम अब सबसे पहले इस कर्तव्य को निभाएंगे। क्योंकि डॉक्टर जो होता है वो भगवान के बाद दूसरा व्यक्ति होता है पृथ्वी के ऊपर जो आदमी की जान बचा सकता है। तो बच्चों ये पाठ जो था मंत्र ही हमें शिक्षा देता है कि गांव में रहने वाले जो गरीब लोग होते हैं वे कितने निस्वार्थ भाव से बिना कुछ लिए परोपकार की भावना उनके मन में पैदा होती है और वे दूसरों के लिए परोपकार करते रहते हैं। लेकिन शहर में रहने वाले जो धनाढ्य लोग हैं उनके सामने, उनके मनोरंजन के लिए, उनके ऐशो आराम के सामने किसी के जीवन का कोई मूल्य नहीं होता। धन्यवाद।